थैंक यू वेरी मच ऑक्सीजन। कुछ बताएं, ऑफिस आपने ओपन किया तो कितनी खुशी हो रही है आपको इस ऑफिस को लेके जो आप यहाँ पे काम शुरू करने वाली हैं? ओके, सबसे पहले कांग्रेस, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, अंधेरी कामधेनु यहाँ पर आकर। मैं 20 इयर्स से इस फील्ड में हूँ एंड नवी मुंबई में वर्क कर रही थी, मेरा ऑफिस था। मैम 20 साल आपने 20 इयर्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट कर दिए हैं आपने, तो जो आपकी जो उत्सुकता है वो भी और क्या है और क्या करने की है? अभी आपने 20 साल दे दिए हैं इसको, तो और अभी आप कितना इसमें उत्साहित रहती हैं काम को लेकर? काम करने के लिए तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और मुझे और भी, और जो मैंने 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जाना है, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये मेरा नाम एंड एस्ट्रोलॉजी घर घर में जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कैसे ऑब्जेक्टिव है ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजर मीन्स ओनली ग्रह तारे नक्षत्र यही सब कुछ नहीं होता है, इससे बियॉन्ड भी होता है, मुझे लोगों को वो बताना है। देन ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं मुंबई में, पूरी दुनिया में ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स में एंड हेमांगी किनवटकर एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर, ओके, इसमें क्या फ़र्क है? इस तो अगर मैं किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ, बट उनमें और मुझ में ये फ़र्क है कि मेरे प्रेडिक्शन इस फील्ड में आने का जो है मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली मैं आ चुकी हूँ, ओके, एंड गॉड ने मुझे इंट्यूशन पावर गिफ्ट किया है। वेरी गुड। तो लोगों को आप, मतलब जब आपसे लोग मिलते हैं तो उनको कैसे आप उनकी चीज़ों को बता देती हैं फौरन, और वो किस तरह से आपसे जो मिलते हैं तो फिर उनके बाद मिलने के बाद जो उनकी जो उत्सुकता होती है वो कैसे होती है, आपने कभी फील किया है? जी बिल्कुल फील किया है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जो आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, एंड जब वो पूछते हैं कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, राइट, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ओनली 5 प्रॉब्लम्स आर देयर, ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। एंड सबका जो है, एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया जाता है एक्चुअली कि आप क्या लेकर आए हो यहाँ पर, आपने क्या क्रिएट करना है, ओके, एंड वो क्रिएट करने के लिए जो मेंटल एबिलिटी, आपकी जो क्षमता है, उससे ही हम लोग परिचित नहीं होते हैं, ओके, एंड देन सेकेंड आता है बिलीव सिस्टम, हमें हमारे ऊपर ही ट्रस्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि भाई हमारी किस्मत में इतना मनी है कि नहीं है, हमारी किस्मत में ये बनना है कि नहीं बना है, बनना लिखा है, राइट, एंड वो हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इतनी जो सक्सेस स्टोरीज निकलती हैं तो वो सक्सेस स्टोरीज हमारी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? अच्छा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस तरह की होती है, लोग सबसे ज्यादा आपके पास किस प्रॉब्लम को लेकर जुड़े हैं? आज की डेट में नंबर 1 प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम, मनी एंड करियर, जबकि हेल्थ इशू पहला होना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन सबसे पहला प्रॉब्लम है आज की डेट में करियर, मनी। तो वो लोगों को आप कैसे सॉल्व कर देती हैं उनकी प्रॉब्लम, और वो किस तरह से फिर बाद में रिएक्शन देते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अगर मेरा, मैं आपको नाम ही पूछना चाहती हूँ, आपका नाम जो हैदर, ओके, सी हैदर, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ, एंड एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर भी हूँ, ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस होता है। जैसे मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ ली है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप, एंड होरोस्कोप के हिसाब से आप कितना धन लेकर आए हो, ओके, एंड यहाँ पर आप क्या क्रिएट करने जा रहे हो, तो उस हिसाब से फिर हम लोग रेमेडीज भी देते हैं। एंड जो डरा हुआ इंसान आता है ना, जो डरा हुआ बोलो, कॉन्फिडेंस की कमी, अपने ऊपर ट्रस्ट कम, तो हम उनमें उनका जो मेंटालिटी है, उनका जो साइकोलॉजिकल, हाँ, डर है, उस वो डर से हम उनको ऊपर उठाते हैं। तो
डर के आगे जीत है जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है। जी जी, तो मैंने तीनों कॉम्बिनेशन बनाया है एस्ट्रोलॉजी। ऐसा जो लोगों को आप बता सके, ऐसे ही अगर कोई आपको सुने और वो चीज फॉलो करे तो दूर हो जाए उसकी प्रॉब्लम, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है आपके पास जो भी आप बताएं? और जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन है। वन इज अ टोटली जो 100% ट्रस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो उसके लिए मेरे उन लोगों के लिए मेरे पास एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दिस जिसको हम एकल्ट साइंस बोलते हैं, ओके गुड शास्त्र ये है। देन वन इज अ नॉन बिलीवर है एस्ट्रोलॉजी पे, मैं बिलीव नहीं करता, उनके लिए है साइकोलॉजी। ओके तो माइंड पावर एंड बिलीव सिस्टम में कितना पावर है, ओके एंड सिर्फ आप अपनी मेंटालिटी माइंडसेट चेंज करके, अपना बिलीव सिस्टम चेंज करके, अपना विजन और ज़्यादा ब्रॉड करके कैसे आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। वन इज, सेकेंड इज अ साइकोलॉजी, देन थर्ड वन इज अ स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोग होते हैं जो ना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं और ना ही साइकोलॉजी पे बिलीव करते हैं, तो वो टोटल बिलीव करते हैं जैसे गुरु स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे पास थर्ड वन इज अ स्पिरिचुअलिटी। तो आज के दौर में जो लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बॉम्बे को छोड़िए पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, इसमें इंसान को अपने कौन सी चीज पे सारा ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से उन्होंने अपने माइंड पे ध्यान देना चाहिए, बॉडी को ज्यादा चलाना चाहिए, माइंड को कम चलाना चाहिए, माइंड को स्टेबल रखना चाहिए। ओके हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को जितना चलाओगे, जितना वॉक करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतना आपका हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगा। एंड मन को जितना शांत करोगे, जितनी आपकी एकाग्रता अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, उतना आपका फोकस अच्छा होगा। जितना आपका फोकस अच्छा होगा एट ए टाइम, लाइक अर्जुन को जैसे वो पंछी का आँख ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको पेड़ पौधे पत्ते सब दिखाई दे रहे थे, अर्जुन की तरह कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। वॉट इज़ द एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, वॉट इज़ द एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो मैं कहूँगी सबको यही कहूँगी, एंड माइंड को स्टेबल करने के लिए आपको जो बनता है वो कीजिए, राइट। देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक प्राणायाम, चैंटिंग। ऑफिस खोला है नया, तो लोग जब आपसे मिलेंगे तो क्या टाइमिंग रहेगी इसकी, और आप कब कब बैठेंगे यहाँ पर, कुछ बताइए उसके बारे में। लोखंडवाला में आप आई हैं? जी जी, मुंबई से। तो मेरे ऑफिस टाइमिंग्स है 11 to 6। तो लोग पूरा वीक मिल सकते हैं? मंडे टू फ्राइडे। ओके, मंडे टू फ्राइडे 11 to 6। तो आज के टाइम पे एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा मैं, कि आप जो देख रहे हैं जिस तरह से इस माहौल को, तो इसमें ज्यादातर हमने देखा है कि आजकल लड़कियां जो है लड़कों से बहुत ऊपर आ गई हैं, तो क्या आप उनके माइंड में क्या चलता है कुछ बताएंगी? लड़के लड़कों की अगर हम मिक्स बात करें तो बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड हो रही है लड़कियां, तो उस पे कुछ है आपके? एक्चुअली ये कैसे हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स बहुत ज्यादा मतलब पढ़ लिख गई है। हाँ, पिछले अगर हम कंपेयर करते हैं बैक, तो आज की डेट में यस डेफिनेटली ज़्यादा पढ़ चुकी हैं। ओके एंड अभी उनका माइंडसेट, लड़कियों का गर्ल्स का माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर। तो अभी बॉयज़ को जागरूक होने का ज़रूरत है मोर, बट उनकी सोच कंस्ट्रक्टिव है। लड़कियों की आज भी, वो इतनी पढ़ लिख गई है उसके बावजूद भी वो ग्राउंडेड है, और उनकी सोच बहुत क्रिएटिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तो मतलब आप उनको बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। ओके, आप टीवी को फॉलो करती हैं, फिल्म देखती हैं, अगर बात करें हम तो? दोनों भी नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल ही नहीं, टाइम नहीं मिलता इसके लिए। टाइम नहीं मिलता है, एंड सी मेरा जो रूटीन है हाँ, एंड एक्चुअली मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये जो न्यूज चल रही है, ये वो सब सारी चीज़ें जो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मेंटालिटी खराब कर रहे हैं, एक ही चीज़ बार 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 बार, 100 तरह के चैनल्स हो गए, क्या ज़रूरी है इतने सारे चैनल्स की, पहली बात। दूसरी बात, ऑल दिस इज़ ऑल बिजनेस, ओके लेकिन ये बिजनेस का, इन लोगों की, ये न्यूज़ चैनल का लोगों के ऊपर कितना बैड इफेक्ट हो रहा है, सबसे पहले वो देखना चाहिए।
प्यार, अमन, शांति, ये सब स्प्रेड करना चाहिए या फिर झगड़े एंड फसाद स्प्रेड करना चाहिए? तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा देशवासियों को, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल इस अपनी लाइफ, मैं कहूँ तो एक पूरी लाइफ आपने दे दी है, आधी लाइफ जी ली है आप इसमें, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को अपने? एग्जैक्टली, मैं सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगी, सिर्फ और सिर्फ सबको प्यार करो, प्लीज अंडरस्टैंड एंड फॉरगिवनेस, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर और चेंजेस सामने वाले में नहीं लाना चाहिए, चेंजेस अपने आप में लाना चाहिए। वो ये कर रहा है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ना वो उसका कर्म है। तो सामने चेंजेस लाने के लिए क्या किया जाए अगर इंसान है, मेरा अपने आप में चेंजेस लाना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट योर सेल्फ। बट कैसे उसी के लिए तो हम है ना आपके पास आना बिल्कुल उसके लिए हमारे पास आना है। और मैंने कहा कि मेरे पास तीन मेथड है, एस्ट्रोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। हर इंसान को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, एंड हम लोग ही नहीं, कोई भी अपने आप को इस तीनों लेवल से अप उठा सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी ज्यादा माइंड अपना ब्लॉक करके बैठा है या ज्यादा गुस्सा में है या ज्यादा उसका दिमाग एंगर क्या है, एंगर क्या है, नेगेटिव इमोशंस मेरे पास है, मैं उसको एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली तो आप एक चांस ले सकते हो। जो भी लोग स्टक है अपने वर्क में, बोलो पर्सनल लाइफ में, हेल्थ इश्यूज में, राइट, तो वो लोग मेरे पास आ सकते हैं। ओके, चाहे मेंटल इश्यू हो, चाहे फिजिकल इश्यू हो, कोई भी इशू हो, राइट, आप मेरे पास आ सकते हैं। डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट टू मीट मी। थैंक यू वेरी मच।